नमस्कार। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि बहुत बिजी चल रहा हूँ, लेकिन एमसीसी का जो सीट मैट्रिक्स आया है उसको देख के मैं ये वीडियो बनाने से आपको रोक नहीं पाया। और जो सबसे पहले, या कह लीजिए कि दो दिन पहले तक या 3 दिन पहले तक या कल शाम तक, हम भी परेशान थे, अपने कुछ क्लाइंट्स थे जिनको भी तो सीट नहीं मिली थी। और अब हालत ये हो गई है कि सीट ही सीट है। जी हाँ, 721 सीटें हैं इस समय प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। देखिए, इसमें सच्चाई की बात है कि भाई 721 में से अगर आप अपना फेमस पौंडेचेरी और तमिलनाडु को पकड़ लें तो यही आपको 721 में से 558 हैं, और बाकी कुछ कुछ सीटें हैं। उसमें भी जो गीता हम जानते ही हैं, अच्छा कॉलेज है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई सैटिक होता है, देखिए थोड़ा सा हाई सैटिक होता है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत महंगा है, 25 लाख रुपये साल की फीस लेता है। ऐसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं डीवाई पाटिल से बहुत ऊपर है, बट लोकेशन इसकी विशाखापट्टनम है, उतना पॉपुलर नहीं है लोगों में, वरना बड़ा ईमानदार कॉलेज है, 40 सीटें भी बची हुई हैं। तो कोई अगर कम मार्क्स वाला है जिसको अच्छा कॉलेज चाहिए, मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप गीतम में जा सकते हो, शायद जस्ट क्वालिफाइड बच्चे को मिल जाएंगी 39 सीटें हैं, और ये लोग डिस्काउंट नहीं देते हैं। बट अगर आप 1.35 तक खर्च करने को तैयार हो, 1.30-1.32 हॉस्टल मिला के, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अमृता में 2 सीटें आ गई हैं, और आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने तो कहा था कि एनआरआई सीट राउंड 3 में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर ये कैसे हो गया कि जी एनआरआई सीट नज़र आ रही है? तो देखिए सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, राउंड 3 में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एनआरआई की सीटें थी, तो ये एक सीट कैसे खाली आई है, किसी बच्चे ने एनआरआई पेपर के थ्रू अमृता अप्लाई करा, उसको अमृता मिला और फिर उसने वो सीट ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि अलाउड है राउंड 3 में ज्वाइन ना करना। तो जो भी आपको इस लिस्ट में एनआरआई कोटा नज़र आ रहा है, आप ये मान के चलिए कि ये सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने एनआरआई अलोकेट कराई लास्ट राउंड में, वरना तो ये नॉर्मल सीट कन्वर्ट हो जाती, लेकिन ज्वाइन नहीं करा, और ऐसे 42 बच्चे थे। तो राउंड 4 में अगर एनआरआई सीट आ रही है तो समझ जाइए कि इतने लोगों ने एनआरआई पेपर बनवाया था और किसी कारण से ज्वाइन नहीं करा। तो उसमें अमृता फरीदाबाद में 1 आ रही है, अमृता कोची में 1 आ रही है, और सबसे ज़्यादा 11 सीटें हैं श्री सिद्धार्था टुमकूर में, और तभी ये टुमकूर फंस गया है। मैं तो ये कहूँगा अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, पैकेज भी रीजनेबल है, 90-92 लाख का, और 11 सीटें आ गई, क्योंकि शायद एनआरआई लोगों ने फॉर्म भरा और फिर उनका माइंड चेंज हो गया, उन्हें राउंड 3 में कहीं और मिल गया, और यही कारण है जो मुझसे ना कई लोग पूछ रहे थे सर एमसीसी ने रिपोर्टिंग लेट क्यों करी है। वजह यही है कि 18 तारीख तक जब लग रहा था यूनिवर्सिटीज़ को कि भाई लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो 2 दिन एक्सटेंड कराया गया, बहाना ये दिया गया कि बैंक बंद रहा, बट बेसिकली भाई उससे पहले कई राउंड्स के रिजल्ट आ गए, राजस्थान का राउंड 3 हो गया, तो जिन लोगों को राजस्थान में सीट मिल गई राउंड 3 में उन्होंने रिपोर्ट नहीं करा, और क्या हर स्टेट्स में हरियाणा का रिजल्ट आ गया था, तो जिस चीज़ का रिजल्ट 20 तारीख से 18 तारीख से पहले आ गया वो लोग गए ही नहीं, और इसकी वजह से आपको ये एनआरआई सीटें क्यों आ जाती है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। और फिर चूंकि एनआरआई सीट है, तो अगले राउंड में फिर से अगर कोई एनआरआई का पेपर बनवा के आ जाता है मैदान में, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी ये सीट लेने के लिए, और अगर कोई एनआरआई नहीं आता तो फिर ये सीटें 42 भी नॉर्मल बन जाएंगी। और देखिए मोस्टली यही सीटें हैं जो टॉप कॉलेजेस में हैं, क्योंकि तमिलनाडु के तो मोस्ट कॉलेज अपनी एनआरआई की सीट सरेंडर कर चुके थे एसीएस के अलावा। ओके, अब एक बार सब पे नज़र मार लेते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे मैं बोला गीता में है, मुलाना में 6 सीटें हैं, तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया के बच्चे अब मेरे ख्याल से 300 नंबर के आसपास में मुलाना मिल जाना चाहिए। ये जगत गुरु जो जेएलएन का ही दूसरा कॉलेज खुला था, 5 सीटें हैं, बीएलडी बीजापुर में टोटल 3 है आपके पास, जेएसएस में भी इससे में समझ लीजिए टोटल 5 सीटें मिलेंगी, हेगड़े में 4 हैं, ये सब टॉप क्लास, कस्तूरबा में 1 सीट है, सबसे बड़ी बात ये है, राजेश्वरी में 4 है, कोल्लार में 3 है, मैंने वो बोला श्री सिद्धार्था फंस गया है, टोटल मिला के 29 सीटें हैं श्री सिद्धार्था की मैदान में, और बहुत हैरानी की बात होगी अगर श्री सिद्धार्था खाली चला गया, चलो 29 नहीं है, नीचे की जोड़ लूँ तो 32 सीटें हैं, तो श्री सिद्धार्था जो कि एक बहुत शानदार ग्रुप है और उसकी 32 सीटें खाली आ रही हैं। अमृता कोची एक खाली पड़ी है, समय आई एम श्योर वो तो ले ली जाएगी, बाद में पुणे में 2 हैं टोटल, सांगली में टोटल मिला के 2 हैं, दत्ता मेघे में 4 हैं, डीवाई पाटिल और नवी मुंबई में 3 हैं, पुणे में 7 हैं, नवी मुंबई में तीनों तीन 6 हैं एक्चुअली, कोल्हापुर में 3 हैं, जैसा मैंने कहा जेएलएन का ही जो वो है उसमें 8 सीटें हैं टोटल, कृष्णा कराड़ में है 6, तो इस तरह से आप खुद ही देख सकते हैं। और उड़ीसा में जो अच्छी यूनिवर्सिटी है IIMS SUM, उसमें टोटल 2 सीटें हैं, कलिंगा में 1 है,
इसके अलावा सब फुल हैं, तो कस्तूरबा, मणिपाल, टाटा, सिम्बोसिस, एटसेट्रा एटसेट्रा, कहीं कोई सीट नहीं आई है निकल के। तो और उसके बाद लाइन शुरू हो जाती है हमारी पौंडीचेरी और तमिलनाडु की। और मैं वैसे सजेस्ट करूंगा जो लोग कम बजट वाले हैं, इस समय डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। देखिए अभी तो मैं कहूँगा कि उनकी गर्दन अकड़ी हुई थी, और अभी तक हॉस्टल मिला के फिर भी एक 90-95 का पैकेज आ ही रहा था, लेकिन अगले 1-2 दिन में क्या हो जाए, 3 दिन में क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिलहाल 2 लाख का फॉर्म जरूर भर लीजिए, बिकॉज फॉर्म भरे बिना सीट नहीं दे सकता एमसीसी या कोई भी काउंसलिंग बॉडी। 2 लाख का फॉर्म भर लीजिए, 24 तारीख का चॉइस फिलिंग से पहले का वेट कीजिए। जैसा मैंने कहा आज 22 तारीख है, हर दिन इम्पोर्टेंट है, 23 तारीख, 24 तारीख रेट डाउन आ सकते हैं, खासकर जो सत्या टाइप के कॉलेज हैं जहाँ 205 सीटें खाली हैं। पर ये भी मैं बता दूँ कि देखिए खाली हैं, लेकिन पिछले 5-6 दिन से ही या 8 दिन से, जब से राउंड 3 का रिजल्ट आया है, शायद 8 दिन से भी ज़्यादा हो गए, पिछले 12 दिन से पूरे हिंदुस्तान के एजेंट इस समय तमिलनाडु पौंडीचेरी बेच रहे थे, और काफ़ी बच्चों को क्लोज किया गया है, कमिट किया गया। तो ऐसी बात नहीं है कि सारी सीटें खाली रहेंगी, ऑलरेडी इसमें से मुझे काफ़ी सीटें ऑलरेडी बुक हो चुकी होंगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये देखिए आया था कि जब राउंड 3 का रिजल्ट आ गया, और राउंड 3 का रिजल्ट आए आप देख सकते हैं कि बहुत समय हो गया, वो तो है नहीं ना कि अभी आया है। तो सॉरी, जब राउंड 3 का रिजल्ट आ गया था तो उसके बाद बहुत समय था, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत समय था। तो 10 तारीख, मोटा मोटी समझ लीजिए 10 तारीख से लेके आज 23 हो गई, तो पिछले 13 दिन से ये सब लोग मार्केट में घूम रहे हैं इन सीट को बेचने के लिए। तो आप देखिए, ये मैं सोचे सीटें खाली पड़ी हैं, यहाँ पर दो चार ललिता मंगल आए SRM, वो तो क्वालिटी से चली जाएंगी SRM। तो सबसे ज़्यादा जो आपको भी फ़ोन आए होंगे वो सत्या साई बालाजी या भारत के लिए आए होंगे, ACS के लिए आया होगा। अगर हम तमिलनाडु की बात करें पता सत्या साई, और पौंडेचेरी में आपको आया होगा अरुकुडू के लिए, लक्ष्मी नारायण के लिए, विनायक मिशन के लिए। MGM की भी सीटें अक्सर अपना भरी जाती हैं, उन्हें डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इस फिगर को देखिए, ये मैं सोचे कि मुफ्त में मिल जाएगी, आधे रेट पे मिल जाएगी। जैसा मैंने कहा, जो इनकी नॉर्मल फीस है उससे बहुत कम पैकेज में ऑलरेडी ये लोग घूम ही रहे थे बहुत टाइम से। और टोटल मिला के जो पैकेज इनका हॉस्टल मिला के, अगर पौंडीचेरी की बात करें, 1,916 था, उसको ये पहले ही नीचे ला चुके हैं और आपको डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया अपना, जिसे कहते हैं डीम्ड की एनालिसिस। और थोड़ा सा प्राइवेट में भी नज़र मारते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। ये DU में देखिए सीटें, मतलब ESI और DU में मिला लीजिए, तो UC MS जैसे कॉलेज में, DU कोटा में इस समय एक OBC की सीट खाली है, एक शेड्यूल ट्राइब की सीट खाली है, एक EWS की सीट खाली है। अब हम ओपन कोटा में आ जाएंगे तो वो हमें मिलेगा जो एम्स होता है, एम्स, जिपमर, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, सीटें यहाँ भी बहुत हैं, 44। तो फिर से आप देखिए जनरल कैटेगरी की भी सीटें हैं ओवरऑल, और ये सीटें आप देखिए भाई ले सकते हैं जिन्हें अभी तक कोई सीट नहीं ली है, राइट। तो एक मौका है आपके लिए, जिपमर कराईकल में बहुत सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा जो सरकारी वाला बंदा खुश हो सकता है, ऑल इंडिया कोटा में टोटल तो 800 सीटें हैं, बट हम इसको कैटेगरी में ले लें, हम ओपन की बात करें तो ओपन में भी 388 सीटें, 388 सीट देख कम नहीं होती हैं। हाँ, बट ये जो कट ऑफ चल रही है उससे 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सीट ही लेंगे। आई थिंक मोर देन दिस द इम्पोर्टेंट फैक्टर वुड बी कि जब कन्वर्ट होगी सीट, और मैं SC का देख रहा था तो SC में बहुत सीट्स अवेलेबल हैं, 145। तो शेड्यूल शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए मौका है, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए मौका है, 63 सीटें खाली हैं, इन सबको सीट मिल सकती है। ओके, बट कमिंग बैक टू द मेन, वंस अगेन प्राइवेट, आई थिंक जो मैंने सुबह के वीडियो में बनाया था, अब समय है आपकी एक रियल काउंसलिंग का, कि जो आपके काउंसलर्स हैं जिनको आपने अभी तक ले रखा हो अपने साथ, और उन्हीं के लिए जिन्होंने अभी तक कहीं सीट ज्वाइन नहीं करी है,
जो ज्वाइन कर चुके हैं वो तो काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं, राइट। जिन्होंने अभी तक सीट ज्वाइन नहीं करी है उनके लिए बहुत मौका है। और मैंने याद कीजिए मेरा 3 महीने पहले का वीडियो भी आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान में अब सीट की कमी नहीं है, जस्ट नीट क्वालिफाई को भी सीट मिलती है। फ़र्क ये है कि आपको कैसे सीट मिलती है। मैं बाबा कहता हूँ क्वालिटी डिफरेंस इज श्योरली देयर, एजुकेशन डिफरेंस इज देयर, बजट डिफरेंस इज देयर, लैंग्वेज, फूड, कल्चर इशू, वी शुड टेक केयर। और उन सबको देखते हुए हम कैसे एक्शन लें ये हमें देखना है। अभी अभी कर्नाटका का भी बहुत एक भयंकर छुड़ाई से मैंने देखा, राउंड 3 का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन कर्नाटका मुझे डाउट है कि ट्रेन निकालना पड़ेगा उसको, शायद फ्रेश चॉइस फिलिंग भी देगा, क्योंकि सबसे ऊपर उन्होंने दे दिया है मॉप अप की एलोकेशन के बाद। और देखिए 465 सीटें खाली पड़ी हैं अदर कोटा में, सो लॉट ऑफ सीट्स आर देयर। इन सीटों पे भी अब भयंकर नेगोशिएशन होगी। ये भी हो सकता है कि राउंड 4 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया जाए। तो जो लोग हैं जो बेंगलोर कॉलेज को देखते हैं, बेंगलोर में जाना चाहते हैं, इन कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, और इसमें से काफ़ी कॉलेजेस तो बेंगलोर के भी हैं, कुछ टॉप क्लास कॉलेज हैं, कैंपे गौड़ा आप देख रहे हैं ऊपर, डॉक्टर AMC, ये सब बेंगलोर के कॉलेज हैं, MVJ, 29 सीटें खाली हैं पूरी। अभी विदेही में भी 3 खाली हैं। उसके अलावा जो ज़्यादा सीटें खाली हैं वो आपको देवनगिरी में 49 है। तो टोटल करके तो 465 सीटें खाली हैं जो कि मैदान में आएंगी। तो ये सब भी आपको अगर पर देखिए, डेफिनेटली इसका बजट फिर भी 1+ तो रहता ही है। आई डोंट थिंक कर्नाटका कोई भी कॉलेज इससे कम में देगा आपको हॉस्टल मिला के, और मैं बार बार हमेशा कहता हूँ हॉस्टल मिला के। ओके, तो ये सब देखिए। और कर्नाटका भी अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए, अगर स्टे खुलेगा तो कर्नाटका लें, डीम्ड लें, या स्टेट काउंसलिंग्स के थ्रू लें, कर्नाटका भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा। ये सब चीज़ें जानने के लिए संपर्क कीजिए जैसा मैंने कहा हमें। और हमने अपनी फ्लैट फीस कर दी है 40,000। अगर कर्नाटका में या पौंडीचेरी में जो नेगोशिएशन होगी और उसके में जो चार्जेस होते हैं जो वहाँ के एजेंट होते हैं, दैट्स अ सेपरेट मैटर। इसके अलावा कहीं और इस तरह से चार्जेस लगते हैं नेगोशिएशन के लिए या प्रीमियम देने के लिए, वो अलग खर्चा होता है। हमारी फ्लैट फी 40,000 रुपये। कोई अब 2,500 की कॉल हम अटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं समय नहीं है मेरे पास। तो जो भी हमारे साथ काम करना चाहता है, यू हैव टू पे द फी एंड देन यू कैन टॉक टू मी एंड वी कैन मेक अ स्ट्रेटजी टू गेट टू द बेस्ट सीट। ओके, आप जानते हैं नंबर अभी तक 9643362320। बाय बाय, टेक केयर। जैसा मैंने कहा, लास्ट 7 डेज टू गो। बाय बाय।